नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पायरिजेसिक टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, पायरिजेसिक टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और पायरिजेसिक टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि पायरिजेसिक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में पायरिजेसिक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। पायरिजेसिक एक ब्रांड नेम है। पायरिजेसिक टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पैरासिटामोल होता है। पायरिजेसिक टैबलेट 500 mg, 650 mg और 1000 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पायरिजेसिक टैबलेट का उपयोग हल्के दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। पायरिजेसिक टैबलेट का उपयोग बुखार होने पर, सिरदर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द, माइग्रेन के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में पायरिजेसिक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि पायरिजेसिक टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे पायरिजेसिक टैबलेट दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में पायरिजेसिक टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा खुराक में पायरिजेसिक टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको पायरिजेसिक टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि पायरिजेसिक टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। पायरिजेसिक टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। बुखार होने पर 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर पायरिजेसिक 500 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पायरिजेसिक 650 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन पायरिजेसिक टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको पायरिजेसिक टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि पायरिजेसिक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में पायरिजेसिक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में पायरिजेसिक टैबलेट की खुराक घटानी पड़ सकती है। लगातार 10 दिन से अधिक पायरिजेसिक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना पायरिजेसिक टैबलेट को लगातार 10 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पायरिजेसिक टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे पैरासिटामोल आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को पायरिजेसिक टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं पायरिजेसिक टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे पायरिजेसिक टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी पायरिजेसिक टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पायरिजेसिक टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पायरिजेसिक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका पायरिजेसिक टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।